हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हर रोज की तरह मैं आज भी नो कांटेक्ट का रीडिंग करने वाली हूँ। तो रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव जनरल है, सारे जेंडर के लिए ओपन है और सारे रिलीजन के लोगों के लिए ओपन है। जब भी रीडिंग आपके सामने आए, जब भी आए आप देख सकते हो। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपसे मैच करे, तब रीडिंग आपका है, ठीक है। और कोई कंडीशन नहीं है और कोई भी देख सकता है। और ये रीडिंग स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए होते हैं, ओके, और लेस कांटेक्ट वालों के लिए होते हैं। तो चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। उसके पहले बोल दूँ, ये मेरा पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग के नंबर है। जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, इस नंबर पर पिंग कर सकते हो। फरवरी मंथ के लिए 222 में आपको कोई एक एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन का आंसर फ्री मिलेगा। और 222 में करंट फीलिंग का रीडिंग आप करवा सकते हो। अगर किसी को बड़े रीडिंग चाहिए तो वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आज के दिन में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, ब्रेकअप सिचुएशन में है, ब्लॉक सिचुएशन में है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स करंट थॉट क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स करंट थॉट क्या है, प्लीज एंजल गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स करंट थॉट क्या है, प्लीज एंजल गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स करंट थॉट क्या है, प्लीज एंजल गाइड मी, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स करंट थॉट क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स करंट थॉट क्या है, प्लीज एंजल गाइड मी। फिलहाल तो आपके पर्सन सेल्फ लव कर रहे हैं, ओके, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, खुद की पेंटिकल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। हो सकता है आप भी ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में। और क्या एनर्जी है, जो लोग भी लेस कांटेक्ट में हो सकता है आपके साथ फाइट हुआ है आपके पर्सन का। या फिर आपके पर्सन के लाइफ में फाइट हो रहा है किसी ना किसी के साथ, ऐसा एनर्जी मुझे नजर आ रहे हैं। पेशेंटली वेट कर रहे आपके पर्सन। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच। थर्ड पार्टी सिचुएशन है और वहां पर आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में वहां से बाहर आने के लिए रास्ता देख रहे आपके पर्सन। मैच्योरिटी बॉटम से न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, ओके। तो हो सकता है आपके पर्सन को पास्ट लाइफ कर्मा हो या फिर कुछ। यहाँ पर दो फीमेल दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ कोई और है जो कि उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो पर्सन उनका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, ठीक है। और आपके पर्सन आइसोलेशन में है, हार्ट ब्रोकन है, छुप छुप कर रोते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन में है। उस बर्डन से बाहर आने के लिए उनको गाइडेंस दिया जा रहा है और वो न्यू तरीके से सोच रहे हैं। उनको कोई ना कोई विजन मिला है, न्यू रास्ता मिला है और वो न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, ओके। फिलहाल पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, फाइट हो रहा है उनको थर्ड पार्टी के साथ या फिर जिन लोगों का बातचीत हो रहा है। हो सकता है आपके साथ छोटा मोटा सा कोई फाइट हुआ हो। तो कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन और फिलहाल वो प्लेफुलनेस की एनर्जी में हैं। केयर फ्री होके जीना चाह रहे हैं, खुश रहना चाह रहे हैं और खुद की पेंटिकल के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। खुद के लाइफ में न्यू बिगिनिंग लेके आना चाहते हैं, क्लैरिटी लेके आना चाहते हैं। उनको नॉलेज विस्डम मिल रहा है, उनको कॉन्शियसनेस रिसीव हो रहा है, वो कॉन्शियस हो रहे हैं सिचुएशन को लेके। और किसी के ना किसी के साथ उनका फाइट हो रहा है या फिर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है,
उनके साथ आपके पर्सन कंपैरिजन कर रहे हैं आपको कि आप कैसा हो और थर्ड पार्टी कैसे है, तो वो फिलहाल ऑब्जर्व कर रहे सारे सिचुएशन को और गोइंग विद द फ्लो में जा रहा है, क्योंकि वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो फंस चुके हैं कर्मा सिचुएशन में, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी है कि उन्होंने पास्ट में आपको जाने दिया, ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर किया, उनका एक्सपीरियंस उनको लेना पड़ रहा है, जो भी आपके साथ गलत चीज़ें उन्होंने किया है उनका पेबैक उनको हो रहा है, इसीलिए वो सारी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एंडिंग की तरफ जा रहा है और आपके पर्सन न्यू बिगनिंग की तरफ आ रहे हैं, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ एंडिंग्स हो रहा है दूसरी तरफ न्यू बिगनिंग हो रहा है। और नंबर 3 के साथ 10 आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रहा है धीरे धीरे, आपके पर्सन परेशान है गिल्ट में है और यहाँ पर मेजर जस्टिस होगा, ठीक है, ब्रेक थ्रू से निकल ले रहे आपके पर्सन, जो भी डार्कनेस है जो भी प्रॉब्लम्स है जो भी ऑब्स्टिकल्स है उनको तोड़ के बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा सिचुएशन मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सॉरी गाइस, तो कार्ड्स को मैं काफ़ी हद तक क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है, मतलब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इस डेक से देखती हूँ कि क्या आ रहा है क्लैरिफिकेशन में, आपको क्या दिख रहा है, उसके बाद देख लेती हूँ सारे कार्ड्स आपको दिख रहा है नहीं कैमरे में। तो चलो इस कार्ड को यहाँ पर रखते हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई करें कार्ड्स को, क्लैरिफाई ऑल द स्प्रेड फ्रॉम दिस डेक, क्लैरिफाई ऑल द स्प्रेड ऑल द कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। फ्लावरिंग क्यों आया है यहाँ पर, फ्लावरिंग क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें। आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी है, हार्ट ब्रोकन है। देखिए यहाँ से आइसोलेशन का कार्ड आया है और यहाँ से 3 ऑफ सोर्ड्स, दोनों कार्ड सेम है, तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पर हार्ट ब्रोकन है, दुखी है, हार्ट टेकन लॉसेस से गुजर रहे हैं और आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपके तरफ आना चाह रहे हैं। देखिए आपके साथ ब्रेकअप सिचुएशन है बहुत दिनों से हो सकता है, ओके, तो ब्रेकअप सिचुएशन को एंड करना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। इमोशनल है काफ़ी हद तक आपके लिए, उनका प्यार जो है बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है और आपको अट्रैक्टेड वो देख रहे हैं, इसीलिए वो आपके तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं फिलहाल। टोटलिटी क्यों आया है एंजल यहाँ पर, टोटलिटी क्यों आया है नंबर 3, तो थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो रहा है गाइस, ओके, और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था फ्लावरिंग का कार्ड, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल आ चुके हैं, तो आप दोनों काउंटर पार्ट हो सकते हो, एक दूसरे से मैरिड हो सकते हो, ओके, तो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना चाह रहे हैं, इसलिए कोई अदर सिचुएशन को उनको एंड करना पड़ेगा, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रहा है, ठीक है, तो उस थर्ड पार्टी में आपके पर्सन के साथ फाइट हो रहा है, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करने वाले हैं आपके पर्सन और आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी उनके कोई फीमेल पर्सन हो। पेशेंस क्यों रखे हुए हैं, क्या प्लान कर रहे हैं पेशेंस रख के। लवर्स आपके साथ रियूनियन के लिए उन्होंने पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत क्विकली आना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच टावर मोमेंट आया है, बहुत दिनों से ये टावर मोमेंट हैंग था, ठीक है, या फिर कुछ सिचुएशन के चलते आपके पर्सन आना तो चाह रहे थे लेकिन अटके हुए थे बहुत दिनों से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में, हाँ, तो एक के बाद एक कार्ड देखिए, जैसे कि कोई स्टोरी बोल रहा है, ठीक है, तो जिस सिचुएशन में वो हैंग थे, कुछ ना कुछ सिचुएशन में वो हैंग थे, और कहाँ पर हैंग थे, थर्ड पार्टी में हैंग थे, जो कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर वो चाहते हुए भी उस थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आ पा रहे थे लेकिन रिसेंटली फाइट हुआ है उनके साथ, जैसे यहाँ पर टोटलिटी आया था उसके बाद
जो कार्ड आया है सेवन ऑफ पेंटिकल और उनको क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ वैंड्स ने, तो बहुत बड़ी बात है कि सेम कार्ड्स आ जाना दोनों डेक से। तो थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो रहा है। देखिए यहाँ पर टोटालिटी को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने, आप लोगों को दिखाया है, तो यहाँ पर कार्ड में बहुत ज़्यादा करना नहीं चाह रही हूँ। टोटलिटी को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने, मतलब थर्ड पार्टी ने, मतलब थर्ड पार्टी के साथ फाइट हो रहा है जो मैंने बोला है आपको। और यहाँ पर भी देखिए नंबर थ्री के साथ फाइव आया है, तो थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर फाइट हो रहा है। तो इसीलिए आपके पर्सन बहुत दिनों से जिस सिचुएशन में स्टक थे वहाँ से बहुत क्विकली बाहर आना चाह रहे हैं, बहुत फास्टली आपके तरफ बाहर आना चाह रहे हैं। और आज के दिन में भी कॉल मैसेज बहुत सारे लोगों को रिसीव हो सकता है, ठीक है। तो कल के रीडिंग में एक लोग मुझे कमेंट किया कि मैम मुझे कॉल तो रिसीव हुआ लेकिन मेरे पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मुझे कॉल किया, थर्ड पार्टी के साथ, मुझे नहीं पता कि उनका स्टोरी क्या है जो उन्होंने लिखा है कि थर्ड पार्टी के साथ मुझे कॉल किया और मुझे गाली गलौज किया। तो गाइस आपको उस पर्सन के लिए इतना तरसना नहीं चाहिए, ठीक है, और आप मूव ऑन करो या फिर पॉजिटिवली अपने ऊपर काम करो। जो पर्सन अभी भी बदला नहीं है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी को लेके आपको कॉल कर रहा है और आपको गाली गलौज कर रहा है, तो आपको अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बचाना है, ओके। और आप क्यों सुने थे उनका गाली गलौज, आपको फ़ोन काट कर देनी चाहिए था, ठीक है। और दूसरी बात, आप क्यों टॉलरेट करोगे अगर आपका कोई फॉल्ट नहीं है और वो कॉल सामने से कॉल कर रहा है और कॉल करके गाली गलौज दे रहा है, इसमें कोई तो बात होगा नहीं, तो कोई किसी को ऐसे ही कॉल करके गाली गलौज नहीं देते। अगर आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो आप कोई इरिटेट होके गाली गलौज करता है या फिर कुछ बोलता है, लेकिन वो सामने से कॉल कर रहा है और कॉल करके मुझे गाली गलौज कर रहा है, ये थोड़ा सा मुझे ऑड लगा, ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच कोई ना कोई बात हुआ होगा जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रहा है, तो मुझे नहीं स्टोरी पता आपका। तो जो भी हो, आपको सेल्फ रेस्पेक्ट को बचानी है, आपको बात नहीं करना चाहिए था उनके साथ, कॉल कट कर देनी चाहिए थी, ठीक है। और उल्टा आपको उनको बोलना था कि आपका इतना मतलब कैसे हो सकता है कि आप कॉल करके मुझे गाली कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो भी हो, मैं यहाँ पर कलेक्टिवली बोल दिया हूँ कि जिनको भी ऐसे होता है सिचुएशन कि आपके पर्सन खुद कॉल कर रहे हैं और खुद कॉल करके आपको गाली गलौज कर रहे हैं या फिर कोई भी किसी भी तरीके का इंसल्ट कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे, छोटा दिखा रहे, तो आपको टॉलरेट नहीं करना है, कॉल कट ऑफ कर देनी है, उनको सीधा इग्नोर कर देना है, ओके। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचाना है, एटीट्यूड में रहना है तब जाके आपको, ठीक है। तो उस तरीके का प्यार आपको नहीं चाहिए, जो लोग आपका रेस्पेक्ट नहीं करते, आपको प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, दिखावे का, जोर जबरदस्ती का प्यार क्या होगा। तो जो भी हो, बहुत बात मैं बोल रही हूँ यहाँ पर। तो आपके पर्सन देखिए रीयूनियन के साथ यहाँ पर आया, दी लवर्स के साथ यहाँ पर, तो हो सकता है बहुत दिनों से आप दोनों के बीच टार मूवमेंट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है या फिर कोई ना कोई बड़ी झगड़ा हुआ होगा, फाइट हुआ होगा आप दोनों के बीच। तो आपके पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे थे लेकिन फिलहाल वेट नहीं करेंगे, जो इतना डिले कर दिया है अभी वेट वो नहीं करेंगे, बहुत क्विकली आपके तरफ बाहर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत क्विकली वो आपके तरफ आ रहे हैं। ये जो नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड है, आपको बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ कि ये इस डेक का बहुत ही फास्ट मूविंग कार्ड है, मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग कार्ड है नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड, ठीक है, और एट ऑफ बैंस का कार्ड भी फास्ट मूविंग कार्ड्स हैं, ठीक है, विद द कॉल मैसेजेस के कार्ड, पैशनेट के कार्ड। तो आपके पर्सन पैशनेटली आपको कम्युनिकेशन करेंगे और विद द रियूनियन आया है, मतलब बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा और यहाँ पर टावर मूवमेंट एंड होगा, ओके। मोरालिटी क्यों आया है, देखिए फाइट ही फाइट, तो थर्ड पार्टी के साथ फाइट हुआ होगा गाइस। मॉरालिटी क्वीन ऑफ सोर्स है, ओके, जो कि आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहा था उस सिचुएशन में, फाइट हुआ है, आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, फिर देखिए यहाँ से भी नाइट ऑफ वैंड्स है, बहुत क्विकली आ सकते हैं आपकी तरफ वापस, मेमोरी ऑफ लाभ की तरफ वापस आ सकते हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है वहाँ से केयर फ्री होकर रिक्स लेके आपके तरफ वापस आएंगे। तो आज के दिन में भी बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है और जो लोगों की पॉजिटिव रिजल्ट दिखते हैं, कॉल मैसेज आते हैं, अच्छे तरीके बातचीत होता है, वो लोग ज़्यादातर कमेंट में बोलते नहीं है गाइस, मुझे पता है वो लोग बोलते नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर रोज़ मेरे यहाँ पॉजिटिव एनर्जी आते हैं और इतना मतलब दोनों डेक एक दूसरे को क्लैरिफाई करते हैं, कार्ड्स एक दूसरे को रिलेट करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेज आता है लेकिन जिन लोगों के अच्छी तरीके से रियूनियन होता है वो लोग शेयर नहीं करते, ज़्यादातर लोग, कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग करते नहीं है। पास्ट लाइफ क्यों आया है,
फैमिली, आपके पर्सन आपके साथ ही फ्यूचर देख रहे हैं, फैमिली देख रहे हैं, घर गृहस्थी देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल ब्रेकअप सिचुएशन है, ठीक है। तो कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा उनको भुगतना पड़ रहा है, इसलिए वो प्रे कर रहे हैं, आइसोलेशन में है, प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन में डर रहे हैं आपके पर्सन। देखिए क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स आ गया है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स आ गए, काउंटर पार्ट है, तो डर है आपके पर्सन आपके तरफ आने के लिए, लेकिन आएंगे जरूर, सेलिब्रेशन होगा, यहाँ पर काफ़ी काफ़ी एनर्जी है, ठीक है। तो रियूनियन होगा, सेलिब्रेशन होगा, जैसे कि हमने देखा है, और यहाँ पर कंप्लीशन आएगा, और आपके पर्सन प्रेयर कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए और एक ब्रेकअप सिचुएशन को एंड करने के लिए, और इसलिए भी आपके पर्सन डर रहे क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो बिहेवियर करके गया है वो सही बिहेवियर नहीं था। तो अगर आप मतलब वो वापस आते हैं आपके तरफ, क्या आप एक्सेप्ट करोगे उनको या फिर नहीं करोगे, उस बात को लेके भी परेशान है बहुत सारे लोगों के पर्सन। आइसोलेशन क्यों आया है? शादी, तो शादी को लेके परेशान है, हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो सेपरेशन में हो, इसलिए आपके पर्सन रो रहे हैं। देखिए उनका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए रोने की एनर्जी है, इसलिए मैंने बोला कि रो रहे हैं। वाटर की बूंदे यहाँ पर भी इस कार में गिरते हुए दिख रहा है, इस कार में भी गिरते हुए दिख रहे हैं। तो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, परेशान है, रो रहे हैं, कोई ना कोई बोल्ड डिसीजन वो लेना चाह रहे हैं आपके तरफ, वापस आना चाह रहे हैं, चैरियट के साथ कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, आपको खोना नहीं चाहते, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। नंबर फोर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फोर फोर की एनर्जी आए हैं यहाँ पर। तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो, यहाँ पर देखिए फोर फोर की एनर्जी है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, आप दोनों के बीच जो भी सेपरेशन है उनको दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है, और जो लोग सिंगल हो या फिर कुछ भी आपके पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते हो, आपके पर्सन भी शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे और परेशान है। मैच्योरिटी क्यों आया है? हार्मिन मोड में है फिलहाल, सोच रहे बहुत ज़्यादा, यस, दुखी है, रोने की एनर्जी है, पछतावे की एनर्जी है, ठीक है। तो न्यू बिगिनिंग चाह रहे, बहुत ज़्यादा सोच रहे, आइसोलेशन में है, यहाँ पर देखिए ईस्ट डेक से भी आ गया है सेवन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आया है ना पेशेंस, सेम कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल। तो जो भी टावर मोमेंट है उसको इन करना चाह रहे, इन करने के लिए पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं और न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल के साथ मैच्योरिटी देना गेन कर रहे हैं आपके पर्सन और स्टेबिलिटी लेके आना चाह रहे हैं, आपके बिना दुखी है, आइसोलेशन में है, सेलिब्रेशन चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस रिश्ते में। बार्डन क्यों आया है एंजल यहाँ पर? बार्डन क्यों आया, कौन सी चीज़ का बार्डन है? हैंग्ड, कुछ सिचुएशन में ना चाहते हुए भी हैंग्ड है और वहाँ पर फाइट हो रहा है, जहाँ पर अटके हुए हैं आपके पर्सन वहाँ पर फाइट हो रहा है, थर्ड पार्टी में फाइट हो रहा है, यस। सारे कार्ड वापस आ गए, देखिए ये सारे कार्ड्स को मैंने रख दिया था, पहले भी आया था, फिर वापस आ गए, तो ये चीज़ें उनके ऊपर बार्डन हो चुका है, वहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे, जहाँ पर फाइट हो रहा है, जिस भी सिचुएशन में हैंग थे अटके हुए हैं वहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे। बार्डन की कार्ड है, दी बार्डन, सिक्स ऑफ सोर्स के कार्ड है, और यहाँ पर देखिए सिक्स ऑफ वैंस आ गए, विक्ट्री। तो कुछ लोग के लिए सिक्स नंबर इम्पोर्टेंट है, सिक्स डेज के अंदर कॉल मैसेज आ सकता है, फोर डेज के अंदर कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर सिक्स आवर फोर आवर्स में भी कुछ लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है। न्यू विजन क्यों आया है? फिर से नंबर फोर आया है यहाँ पर, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, जो भी जगलिंग सिचुएशन में है वहाँ से बाहर आके स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से स्टेब नहीं ले पा रहे आपकी तरफ, वो सिचुएशन को काट ऑफ करेंगे। और देखिए ये कार्ड फिर से वापस आ गया है, हार्ट टेकन लॉस है आपके बिना, दुखी है आपके बिना, तो आपका ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर पाया इसलिए दुखी है। और यहाँ से भी क्वीन ऑफ पेंटिकल आ गया है, यहाँ से फ्लावरिंग का कार्ड, ठीक है, तो दोनों कार्ड सेम है, रिपीटेडली दोनों डेक से कार्ड्स आते हैं हर रोज। और देखिए यहाँ पर मोरालिटी का कार्ड यहाँ से है, मोरालिटी का कार्ड यहाँ से है आपको दिख रहा है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स, तो दोनों कार्ड सेम है दूसरे अलग डेक से, तो सेम कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं गाइस, बहुत बड़ी बात है। तो जो भी दो सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं वहाँ पर दुखी है, ठीक है, एक तरफ आप हो दूसरी तरफ कोई और है, तो इन सारे प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आएंगे और न्यू तरीके से सोचेंगे, और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगा, तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है गाइस। तो गाइस पहला ही कार्ड सन का आया है, सन के साथ एट ऑफ बैंस आया है यहाँ पर, ओके, विद द फास्ट मूविंग एनर्जी, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर यूनियन होगा विद द लवर्स, ओके, तो बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस आ रहे हैं उनके लाइफ में। फोर ऑफ बैंस शादी में वापस आ रहे हैं,
तो ये एनर्जी निकल कर आए हैं, विद द विक्ट्री सक्सेस जरूर मिलेंगे आने वाले टाइम में आपको। फिलहाल पेशेंटली मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव रह के जो भी मैं बोलती हूँ हर रोज। जो आपके लिए है वो किसी और को नहीं मिल सकता, ठीक है। सिर्फ आपका टेस्ट लिया जा रहा है, आपको कोई लेसन दिया जा रहा है, आपको ग्रो करने की जरूरत है, इसीलिए हो रहा है ये सारी चीजें। ओके, ये आपको समझना होगा। तो चलिए मैं गाइडेंस ले लेती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या गाइडेंस है आज के दिन में। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है और क्या आ सकता है उनके लाइफ में, ठीक है, क्या हो सकता है या फिर इस सिचुएशन में उनको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। तो जो भी इस कार्ड से आएंगे वो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस। ईगो, तो जिन लोगों के बीच में ईगो आ रहा है गाइस, आप लोगों को ईगो को बैलेंस करना है। ओके, हो सकता है आपके पर्सन के भी बहुत ईगो हो, ईगो की वजह से वो नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर आप अगर कोई सॉन्ग से रिलेटेड या फिर गिटार बजाते हैं या फिर कोई भी सॉन्ग से रिलेटेड कोई भी आप क्रिएटिव करते हैं, तो आपको यहाँ पर क्रिएटिव कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। किंग ऑफ रोजेस, तो आपके पर्सन आपके तरफ इमोशनल है और आ रहे हैं आपकी तरफ, आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं आने वाले टाइम में आपके पर्सन। आप लोग इमोशनल होंगे आने वाले टाइम में, ठीक है, या फिर वाटर से रिलेटेड कोई जगह पे घूमने जा सकते हैं या फिर बोट में नाव में कहीं जा सकते हैं आप लोग नाइट के टाइम। ओके, और यहाँ पर आपको क्रिएटिव करने के लिए बोला जा रहा है, सॉन्ग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होते हैं। ओके, तो उन सारे एरिया फील्ड में या फिर आप जो भी क्रिएटिव करते हो उनकी जो टैलेंट है आपके अंदर क्रिएटिविटी का, वो उस टैलेंट को बाहर लेके आना है, कुछ क्रिएटिव करना है, जो भी आपको पसंद है, जो भी आप करना चाहते हो उन सारी एरिया फील्ड में आप काम कर सकते हो, ठीक है। और द वर्ड एंड रोजेस, तो लव लाइफ में फाइट हुआ है या फिर हो सकता है आने वाले टाइम में, तो आपको फिलहाल थोड़ा टाइम लग रहा है आपके काम के लिए, लेकिन आपको वेट नहीं करना है, ठीक है, तो गिव अप नहीं करना है। जो भी आप काम कर रहे हो उसको करते जाओ, प्लान करके काम में आगे बढ़ो, ठीक है, स्टडी करो और ज़्यादा नॉलेज लो और गिव अप मत करो, काम करते रहो। ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन होगा ज़रूर आपका काम, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। जो भी एरिया ऑफ फील्ड में आपका नॉलेज है, जो भी एरिया ऑफ फील्ड में आपका टैलेंट है, उनको बाहर लेके आइए, सबके सामने लेके आइए, ठीक है, तो उसके लिए शर्मिंदा मत होइए। तो जो भी टैलेंट है, जो भी आपका गुण है, वो सबके सामने लेके आइए, उसके ऊपर काम कीजिए। यहाँ पर थ्रोट चक्र के कार्ड आया है, तो हो सकता है कॉल मैसेज आपको आ सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से, अगर आपके पर्सन का थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है तो। ओके, या फिर सॉन्ग से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उन एरिया ऑफ फील्ड में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पर आपको काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कि टेलीविज़न सेक्टर में, रेडियो जॉकी में, या फिर सॉन्ग करते होंगे आप, या फिर कोई अनाउंसमेंट या फिर एंकरिंग करना आपको पसंद है, तो उन सारी एरिया ऑफ फील्ड में आप काम कर सकते हो। द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको आपका स्पिरिट गाइड, जो भी डिवाइन में आप बिलीव करते हो या फिर यूनिवर्स आपके दरवाजे पे नॉक कर रहा है कि ये जो टाइम है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है, तो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दीजिए और काम कीजिए। ओके, और आपके सोसाइटी में, आपके काम की जगह पे, आपके आसपास फाइट हो सकता है, अलर्ट रहिए। तो यहाँ पर
किंग ऑफ रोजेस क्वीन ऑफ रोजेस आ चुके हैं, तो आप दोनों काउंटर पार्ट हो सकते हो। तो फिलहाल आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और आगे आने वाले टाइम में उनका रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। आपके लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो सकता है, कोई न्यू पार्टनर आ सकता है, एम्प्लॉय आ सकता है आपके काम की जगह पे, ठीक है। तो फिलहाल हार्डवर्क करने का टाइम है, प्लानिंग करके काम करने का टाइम है, आगे आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट जरूर दिखेंगे। चंद्र गाइड करे मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, सिचुएशन में क्या आ रहा है, उनके लाभ लाइन में क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, जो लोग भी नो कांटेक्ट में है प्लीज चंद्र गाइड करे। नो कांटेक्ट वाले के लिए क्या गाइडेंस है, वन ईयर कुछ लोगों को वेट करना पड़ेगा, वन ईयर के अंदर आप लोगों का जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो सकता है। बी असर्टिव पॉजिटिव रहिए, जो भी आप चाहते हो उनके ऊपर डेडिकेटेडली काम करिए, ठीक है। रिकवरी आ रहा है आपके लाभ लाइन में, और जो भी एरिया फील्ड में आपका प्रॉब्लम है वहाँ पर रिकवरी आ रहा है। हेल्पफुल पीपल, जो भी मैं आपको बोलता हूँ हर रोज़ कि आपको हेल्प करना चाहिए दूसरों को जितना हो सके। टेक एक्शन, तो काम के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। बहुत ज़्यादा सोचो मत, काम करो। आज की और एंजल, जो भी डिवाइन से एंजल से आप बिलीव करते हो वहाँ पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर, इन द नियर फ्यूचर, कुछ लोग के लिए नियर फ्यूचर। ओ सॉरी, मोनोलॉजी से कार्ड आ गए यहाँ पर। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, तो ये कार्ड यहाँ पर था, मैंने इसलिए आपको डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आप लोग आपके गोल के बहुत करीब है। और एक कार्ड था, मैंने रख दिया था, एक साथ रखती हूँ ना तो आ जाता है यहाँ पर। पीसफुल रिजोल्यूशन, तो आपके रिश्ते में पीसफुल रिजोल्यूशन आ रहा है, जो भी आपका प्रॉब्लम्स है, ओके। तो ये रीडिंग आज के लिए था। अगर रीडिंग अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कर देना, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ठीक है। और अगर मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है हेल्पफुल है, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उन लोग का हेल्प कर सकता है मेरे वीडियो, तो ज़रूर से शेयर कर देना, ठीक है। और फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड ऑल्सो अदर, जितना हो सके दूसरों का हेल्प जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिएगा, नेगेटिविटी में मत जाइएगा और नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।